गुजरात के गीर सोमनाथ जिले के डॉक्टर अतुल चग के सुसाइड केस में बीजेपी सांसद राजेश चुड़ासमा मुश्किलों में पड़ सकते हैं, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने पक्ष रखते हुए आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस मामले में राजेश चुड़ासमा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। दरअसल वेरावल कस्बे के मशहूर डॉक्टर अतुल चग ने 12 फरवरी को अपने अस्पताल में फांसी लगाकर जान दे दी थी, जहां से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। इनमें बीजेपी सांसद का नाम राजेश चुड़ासमा लिखा हुआ था। घटना के 5 दिन बाद यानी 17 फरवरी को डॉक्टर अतुल चग के परिवार ने जूनागढ़ के सांसद राजेश चुड़ासमा और उनके पिता नारन भाई के खिलाफ वेरावल सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। बताया गया कि कस्बे के लोगों के दबाव को देखते हुए जांच अधिकारी छुट्टी पर चले गए और इसके बाद पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई में नोटिस जारी कर मामले से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगे। तो अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर राजेश चुड़ासमा के खिलाफ अगर मामला दर्ज होता है तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़नी तय है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर चग के सुसाइड के बाद वेरावल में धरने और प्रदर्शन भी हुए, लेकिन फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर चग ने अपने चिकित्सा सेवा के जरिए वेरावल और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी छवि बनाई। कोरोना के मुश्किल वक्त में डॉक्टर चग ने लोगों की बहुत मदद की और अब वहां के लोग भी बीजेपी सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।